साथ में हमारे स्टाफ के सब लोग हैं, देखिए। हाय बोल दीजिए सबको। हाय, माया को सब्सक्राइब कर देना। दूध ले लिया है, अब चलते हैं घर को। ये देखिए वो आपका पहाड़ों की रानी दिखिया। अच्छा, पहाड़ों की रानी हो आप? आप मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं माया स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है माया के बंधन। तो दोस्तों, सुबह के 9 बज रखे हैं। नाश्ता वगैरह करके मैं चली गई हूँ अपनी ड्यूटी पर, घर से निकल गई हूँ। आजकल पहाड़ों में बहुत ठंडा हो रहा है, धूप तो आ जा रही है लेकिन ठंडा ही है। गाड़ी का वेट करूँगी, गाड़ी में ही जाऊँगी। मम्मी ने बनाया मेरे लिए रोटी, मैं रोटी खा के आ गई हूँ और अब जाते हैं घर से ऊपर रोड पे और देखते हैं कि कौन सी गाड़ी मिलती है आज ड्यूटी जाने के लिए। मुझे जाना है धौला देवी आज, क्योंकि वहाँ मीटिंग है एक। बने रहिएगा व्लॉग में, देखते हैं कैसा रहता है आज का दिन। मौसम बहुत अच्छा है, धूप आई है पूरे पहाड़ों में। और तो दोस्तों, गाड़ी मिल गई है मुझे, देखिए सामने से मैक्स आ रही है, इसी में जाऊँगी। तो दोस्तों, हम धौला देवी के लिए निकल गए हैं, पैदल रास्ते में हैं अभी। थोड़ा सा 10 मिनट लगेंगे यहाँ से पैदल हमें। साथ में हमारी स्टाफ के सब लोग हैं, देखिए। हाय बोल दीजिए सबको। हाय, माया को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, चलते हैं धौला देवी हॉस्पिटल, वहाँ जाके मिलेंगे आपको, बने रहिएगा व्लॉग में। देखिए चारों तरफ इतना जंगल है, बीच में हमारा CSC धौला देवी, बहुत खूबसूरत। बने रहिएगा, आपको दिखाएंगे कैसा है हमारा CSC धौला देवी। बीच में धौला देवी को जाने वाली रोड, ये हॉस्पिटल को जाने वाली रोड है, चारों तरफ देवदार के जंगल। तो दोस्तों, मैं CSC धौला देवी पहुंच गए हैं और हम मीटिंग हॉल में बैठे हुए हैं अभी। देखिए इधर सब हमारी आशा दीदी लोग बैठे हुए हैं और इधर सारा हमारा स्टाफ बैठा हुआ है। अभी सर नहीं आया है मीटिंग के लिए, उनसे पहले मैं आप लोगों से मिलाना चाह रही थी। ये देखिए अभी मीटिंग स्टार्ट नहीं हुई, इसलिए इससे पहले मैंने आप लोगों को सबसे मिला दिया है। ये हमारा CSC धौला देवी का हॉस्पिटल है और एक दीदी और आ गई है हमारी। हाय दीदी। हाय। अभी मीटिंग में सब लोग उपस्थित नहीं हुए हैं, लोग आने में ही हैं। ये देखिए ये दीदी लोग भी आ चुके हैं। मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करना, तो जितनी भी हमारी सेवाएं हैं, स्वास्थ्य संबंधी हैं, इन दोनों के चारों तरफ घूमती हैं, ठीक है, घूम रही हैं या इन दोनों के लिए ही कर रही हैं। तो जितने भी हमको के काम करने हैं, इन माँ और बच्चे के लिए करना है, ठीक है, क्योंकि माँ का स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी बच्चे का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। बच्चे का स्वास्थ्य अच्छे ढंग पहले से ही सुदृढ़ रहेगा तो क्या होगा, बड़ा होकर के वो हमारा देश को आगे ले जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मातृ स्वास्थ्य के बारे में। दोस्तों, मीटिंग हो गई है हमारी खत्म और अब हम घर को जा रहे हैं सब लोग। पीछे से देखिए सब लोग आ रहे हैं, पैदल जा रहे हैं हम लोग। नीचे से हमें गाड़ी मिलेगी, मेन रोड तक हम पैदल जाएंगे। गाड़ी मिल गई है हमें घर के लिए। तो दोस्तों, अभी मैं CSC धौला देवी से घर पहुंच गई हूँ। चारवी और उसकी अम्मा गांव में गए हुए हैं, किसी की तबीयत खराब हो रही है, उनको देखने गए हैं। और मैं अब कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ, खाना खाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपको, वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों, कपड़े वगैरह चेंज कर लिए और अब चलते हैं किचन में, बहुत भूख लगी है। देख, गहत की दाल और भात बनाया है मम्मी ने, तो चलिए खाते हैं, फिर मिलते हैं आपको। खाना वाना खा लिया है और अब जा रही हूँ मैं दूध लेने के लिए नीचे। दूध का डब्बा पकड़ लिया है मैंने, तो चलते हैं दूध लेने के लिए, वहाँ से आके बनाएंगे शाम का खाना पीना। बने रहिएगा व्लॉग में। तो ड्यूटी से आने के बाद मैं दूध लेने गई हुई हूँ, अपने तवे में लकड़ी बनाने का चल रहा है। मेरी देवरानी जी लकड़ी लेके आ रही हैं, ये देखिए एक आगे दौड़ रही है वो।
तो मैं पहुंच गई हूँ वहाँ जहाँ से हमने दूध लगा रखा है। ये देखिए, ये है हमारी देवरानी का घर, इधर से दूध लगा रखा है। ये उनके बच्चे हैं, खेल रहे हैं। तो मैं आ गई हूँ जहाँ से हमने दूध लगा रखा है, अपनी छोटे बच्चे खेल रहे हैं। देखिए, आपको मिलाते हैं उनसे। क्या नाम है बाबू आपका? पहाड़ों की रानी दीक्षा। अच्छा, पहाड़ों की रानी हो आप? आपने अपना नाम पहाड़ों की रानी रखा है क्या? क्यों? मुझको बड़ा होके ब्लॉगर बनना है। और आप क्या रखोगे अपने चैनल का नाम? चैनल का नाम पहाड़ों की रानी। अच्छा, तो फ्रेंड्स देखिए, यह है मेरे देवर की बेटी दीक्षा। बड़ा होके इसको भी ब्लॉगर बनना है, इसको भी ब्लॉगिंग करने का बहुत शौक है। पहले पढ़ाई लिखाई कर लो बेटा, फिर बनना, ठीक है ब्लॉगर? चलो ठीक है, बाय बोल दो सबको। यहाँ बहुत बड़े बड़े पपीते लगे हुए हैं पेड़ में, देखिए बंदर खा दे रहे हैं सब। हेलो डब्बू, अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए मेरे पास आने की इतनी कोशिश कर रहा है। बैठी है कुत्ते को पकड़ के, जान लो ना तुमको। अरे हमारी बड़ी सासू माँ यहीं से दूध लगा रखे है हमने, इन्हीं के यहाँ से। और यहाँ हमें हमारी दीदी लोग भी मिल गए हैं, ये देखिए। ये देखिए, आजकल ऐसा काम चल रहा है पहाड़ों में, दूध ले लिया है, अब चलते हैं घर को। ये देखिए, तो दोस्तों दूध दूध लेके जाने लग गई हूँ घर को। और देखिए इतनी बड़ी चढ़ाई पड़ती है हमारे घर के लिए, और ऊपर दिख रहा है हमारा घर, वहाँ पर को जाना है मुझे। और मैं दूध लेके पहुंच गई हूँ घर। देखिए चार भी अपनी अम्मा के साथ लगा रखी है अंदर। कहाँ से लेके आई बेटा लकड़ी? तो दूध लेके घर आ गई हूँ मैं, और अब बनाती हूँ चाय गुड़ की। ठंडा बहुत हो रहा है पहाड़ों में, आज बादल लग गए हैं, लग रहा है कि बारिश भी हो सकती है एक दो दिन में। तो देखते हैं चाय बनाते हैं। देखिए चाय भी खा रही है, चॉकलेट। आज कितनी चॉकलेट खा रही है आपने? एक ही खा लिया है। कौन सी चुटिया बनाई है मैंने? दिखाओ दिखाओ, कितनी चुटिया बनाई है? दो। एक दो क्यों बनाई है वाली चुटिया? बाल क्या होंगे इससे? बड़े होंगे। कितने बड़े? बहुत बड़े होंगे मम्मा को। देखिए अम्मा और चारवी गांव में गए हुए थे, किसी की तबीयत खराब हुई थी उन्हें देखने के लिए, तो अम्मा ने चाय नहीं पिया, तो अम्मा के लिए चाय बना के लाई हूँ मैं। अम्मा और वो पियेंगे चाय, और मैं पीऊंगी ग्रीन टी। ये देखिए, मैं भी पीऊंगी ग्रीन टी। क्यों, आप भी पियोगे ग्रीन टी? आप दूध पियोगे, अभी लाऊंगी आपके लिए, ठीक है? चारवी को नेट चाहिए टेबलेट में। क्या चाहिए नेट? पढ़ाई करोगी अब? चाय कैसी हो रही है मम्मी? पियो, भल ना रहा क्या? पियो पर पी नहीं हो। चारू आप क्या पियोगे? गोरो कहा था भली होने पे झाड़ो में हो बढ़िया है रो रे गोरो का सहा किया झाड़ो में गर्मी में ही मिखी हम तो ऐसा कर रहे। चारू क्या पिएगी? आपकी चैन कैसे खुली बाबू? ये चार भी कहाँ गई थी? तो चाय वाय पी ली हमने, और अब चल रही है रात के खाने की तैयारी। रात के खाने पे मैं आज बना रही हूँ आलू मटर की सब्जी और रोटी। देखिए उसके लिए मैंने मटर छिलके रखे हैं और आलू काटे हैं। तो दोस्तों आलू मटर की सब्जी बनाने लगी हूँ मैं। प्याज वगैरह फ्राई कर लिया है और इसमें मटर डाले हैं, मटर को भी थोड़ी देर फ्राई करेंगे। देखिए इसे धनिया काटा है यहाँ पे बारीक करके, और इसमें आलू डाल दिए अपने मटन फ्राई करने के बाद। और इसमें लगाएंगे दो सीटी, दो सीटी में बन जाएगी सब्जी हमारी। तो फ्रेंड्स रात के 9 बज गए हैं, खाना पीना हो गया, हम लोगों का खाना खा लिया है हम लोगों ने। और इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नए व्लॉग में नई वीडियो के साथ, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए।
बाय बाय।